Hello, bachon. Let's read this question. During the propagation of a nerve impulse, the action potential results from the movement of. Action potential किसके movement का result है? ठीक है. Potassium ions from intracellular fluid to the extracellular fluid. तो ये incorrect हो जाता है यहाँ पर. अगर आप resting nerve fiber में देखें, resting nerve fiber में बाहर positive और अंदर negative charge मिल रहा है. ठीक है. बाहर positive charge क्यों है? क्योंकि बाहर sodium ion की concentration बहुत ज्यादा है. ओके. अंदर negative charge क्यों है? क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की कम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मिल रहे हैं अंदर. ओके. तो ये रीजन है यहाँ पर रेस्टिंग नर्व फाइबर में पोलैरिटी मेंटेन होने का और पोलराइज स्टेट होने का. ये रेस्टिंग नर्व फाइबर है. रेस्टिंग नर्व फाइबर में जो पोटेंशियल मिलता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल मिल देते हैं बोल देते हैं. और यहाँ पर -70 mV होता है रेस्टिंग पोटेंशियल. आपको स्टिमुलस आता है. ठीक है. स्टिमुलस आया तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा. मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज जो हो रहा है उसमें आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा तो उस वक्त सोडियम चैनल्स जो होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं. और सोडियम क्योंकि बाहर ज्यादा है. ओके. बाहर सोडियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सोडियम कहाँ मूव करेगा? अपने ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ सोडियम मूव करता है, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. तो बाहर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सोडियम अंदर मूव कर गया है तो इसके मूव करने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव. बाकी मेम्ब्रेन पर वही रहेगा, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव. ठीक है. अब ये जो आप चेंज देख रहे हैं ना पोलैरिटी में, इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया. ओके. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं चेंज इन पोलैरिटी, ये क्या है? एक्शन पोटेंशियल है. अब यहाँ पर कह रहे हैं ये किसके वजह से हुआ, एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट किसका है? तो यहाँ किसका मूवमेंट आप देख रहे हैं? सोडियम का मूवमेंट देख रहे हैं ना. यहाँ कह रहे हैं पोटेशियम आयन का मूवमेंट है तो इनकरेक्ट है. सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये करेक्ट है. ये जो अंदर मिल रहा है इसको एक्सोप्लाज्म या फिर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड आप कह सकते हैं, एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ठीक है. बाहर जो मिल रहा है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहेंगे. तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. पोटेशियम आयन्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये इनकरेक्ट है. सोडियम आयन्स फ्रॉम इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये भी इनकरेक्ट है. अब आप रेस्टिंग नर्व फाइबर में क्या देखते हैं? रेस्टिंग नर्व फाइबर जो होता है ना, इसमें जो एक्सोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग नर्व फाइबर में एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो होती है वो नियरली इम्परमेबल होती है सोडियम के लिए और परमेबल होती है पोटेशियम आयन्स के लिए. तो वहाँ पोटेशियम आयन का मूवमेंट तो आप देख लेंगे बट सोडियम का नहीं. सोडियम कब मूव करता नजर आएगा? जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जब स्टिमुलस मिलेगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन UNCERT क्लास 11 पेज नंबर 233 पर गिवन है. थैंक यू.